क्या है डंडा? ये डंडा क्या निकाला हुआ इसने? स्कैन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या स्कैन कर रहा है, ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है उसका फास्ट टैग। ये है पंजाब, पंजाब में रूपनगर के आगे से खतरनाक धुंध लग गई है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, जबकि दिन के सुबह के। कम स्पीड पे चलो भाई, साइकिल वाले और पैदल वाले दिखेंगे नहीं इसमें। ये आ गई है पहली टनल। इस टनल पे आज तक हम नहीं जा पाए थे, हर बार यहाँ पे रोड बंद होती थी, हम नीचे से ही जाते थे। ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को, अपने बच्चे ना इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ क्योंकि पत्थर भी गिरते हैं यहाँ। ये जा रखा सारी रोड नीचे गायब। इस बार ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया यहाँ रोडों पे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो एक बार फिर से हम निकल रहे हैं अपनी नई ट्रिप के लिए। इस बार हम जा रहे हैं मनाली। तो ये हमारा लास्ट टाइम मनाली गए थे बरसात के टाइम पे, जब वहाँ तबाही आई थी, उसके बाद हम अब जा रहे हैं, तो न्यू ईयर वहीं मना के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक और स्वैग से भरा हुआ सफ़र। डीजल है कम, तो भैया ट्रिप की शुरुआत में सबसे पहले काम क्या करना है, डीजल डलवाना है गाड़ी में और इसे फुल करके निकलेंगे। और आज हम पहुंचेंगे जीरकपुर, और आज हैरी के यहाँ रुकेंगे और वहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए कल। तो गाइस तेल हो चुका है फुल, टंकी हो गई है फुल। कितना लीटर तेल आया है? पता नहीं, मैंने देखा तो नहीं। तेल आया 42,3798 का बिल है तुम्हारा। तो दिल्ली की स्मॉग से एक बार हम फिर जा रहे हैं फॉग में। पंजाब में तो फॉग ही होगा। तो अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट सोनीपत के लिए। ये है मेरठ एक्सप्रेसवे। अब हम जाएंगे पैराफिल एक्सप्रेसवे पे। पैराफिल से हम उतरेंगे सोनीपत, और सोनीपत से हम लेंगे फिर NH-44, जो दुनिया का सबसे, दुनिया बोल रहा हूँ, इंडिया इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है। ये आ गया भैया एक्सप्रेस, पैराफिल एक्सप्रेसवे का टोल। अब ये फर्स्ट टोल आया है। रोड पे काम चल रहा है इस पे। सारी ही रोड पे बेफालतू का टोल ले रहे हैं, पहले रोड ही बना लो। तूफान मेल ढाबा। रेशम नया खुला है, बच्चों के झूले भी लगा रखे वहाँ पे, तभी तो कुछ तो डिफरेंट बनाएंगे, तभी तो जाएंगे लोग। बीकानेर वाला एंड हवेली, किस पे खाना? बीकानेर वाले पे चलें? हवेली पे, बीकानेर वाले पे चलते हैं, मैं तो कह रही हूँ। हैं? हाँ इस पे चलते हैं, इस पे सही रहता है खाना, ठीक है। इसी पे चले? हाँ वेज है पर ठीक है। तो लंच का टाइम हो गया है, हम लोग यहाँ पे बीकानेर वाले पे अभी जस्ट गाड़ी अपनी पार्क कर रहे हैं, लंच करके फिर निकलते हैं। अरे खाना खा के निकले और ये क्या हो गया, कितना लंबा टोल लगा है भाई, ये कितना लंबा है, कौन सा टोल है? पता नहीं, यहाँ घुस जाएं क्या? अब कुछ पता नहीं है ना, आगे जाके पता चल रहा, सब मारा मारी कर रहे हैं इधर उधर घुसने की। फ्री करो भैया टोल, 3 मिनट से ज्यादा हो गया मैं यहीं पे। ये क्या है डंडा? ये डंडा क्या निकाला हुआ इसने? स्कैन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या स्कैन कर रहा है, ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है उसका फास्ट टैग। नहीं डंडा, वो डंडा किस चीज के लिए दे रहा है? स्कैनिंग का होगा, सेंसर होगा उसके आगे। अच्छा, सारे जुगाड़ हैं। चलो भैया कैश दो। अब हो गया, कैश ही देंगे अभी। ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ है, ब्लैक लिस्ट फास्ट टैग 110-220 लगेगा, हो गया उसका डबल लग गया उसको। हम लोग आज सुबह निकल चुके हैं मनाली के लिए, और आज है 27 दिसंबर। वैसे तो मनाली पैक है, बाकी आज देखते हैं जाके कि आज हमें जाम मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि और टाइम तो मनाली में बहुत जाम लगा हुआ था।
मनाली है यहाँ से 7 घंटे। मनाली यहाँ से 6 hours 57 minutes दिखा रहा है और रीचिंग टाइम जो दिखा रहा है 3:16 तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, क्योंकि बीच में लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए तो निकलेंगे। ये लग गया भैया डेंस फॉग, ये है पंजाब, पंजाब में रूपनगर के आगे से खतरनाक धुंध लग गई है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, जबकि दिन के सुबह के नौ, तो सुबह के 9 बजे ये हाल है यहाँ पे अभी। तो भैया उस हिसाब से प्लान करें थोड़ा, और रात को तो बिल्कुल मतलब निकल ही नहीं सकते, मॉर्निंग में तो और ज़्यादा होता है, मतलब रात को 2-3 बजे के बाद तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। किन्नू भाई कितने वो लगे हुए हैं, किन्नू ढेर लगा रखा है किन्नुओं को यहाँ पे, देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा सस्ते मिल रहे हैं, किन्नू के ढेर लगे पड़े हैं भाई। ये देखने बंद भी पड़ी हैं दुकानें कुछ, अभी खुलेंगी ये दुकानें। यहाँ पे ज्यादा होता होगा किन्नू, तो यही तो होता है पंजाब में किन्नू सब ज्यादा। अच्छा ये देखो कितना ढेर आ रहा है, अभी आके देखो ढेर ही ढेर आ रहा है, ओ ढेर लगा रखा है लोगों ने, ट्रक ने अब दिख रहा है। चलो ये चलो, ऐसे में ना बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं तेरे को बोलता रहा था सुबह निकलने का नुकसान है इस पे, इस रोड पे, अब आगे कुछ ना दिख रहा। 7 की जगह हम 8:15 तो निकले हैं, इसमें डिपर दे के निकलना पड़ेगा। देखो देखो सामने देखो, ट्रैक्टर अब जाके दिखाओ, कम स्पीड पे चलो भाई, साइकिल वाले और पैदल वाले दिखेंगे नहीं इसमें। ये फिर आगे किन्नू ही किन्नू, ए वो था तो भैया पहाड़ों के हो गए हैं दर्शन सामने, और हम किरतपुर से हमने ले लिया है राइट, हिमाचल के लिए कट ले लिया है, बस हिमाचल शुरू होने वाला है, आगे हिमाचल का टोल आएगा, ग्रीन टैक्स बैरियर, और उसके बाद हिमाचल एंट्री हो जाएगी हमारी। ये क्या है, यही तो है ग्रीन टैक्स बैरियर। यहाँ से मनाली का, यहाँ से वही सॉरी मनाली के लिए बून पर आ गया, यहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो रहा है आपका। 10,000 जी टैक्स लेने के लिए पर्ची काटेंगे यहाँ पे। तो ये हिमाचल में हमने एंट्री कर रहे हैं अब। ये गेट नया बना था पिछली बार। अच्छा अब चारों तरफ एंट्री पे गेट ऐसे बना दिए ना उन्होंने। हिमाचल में एंट्री हो गई। ये आ गई है पहली टनल, इस टनल पे आज तक हम नहीं जा पाए थे, हर बार यहाँ पे रोड बंद होती थी, हम नीचे से ही जाते थे। अच्छा तो ये है पहली टनल, ये भी स्टार्ट हुई होगी ना। हाँ ये हो, अरे जब भी हम आते थे तभी ऑन नहीं रहती थी, लिखा था टनल नंबर 1। अब अपने गॉगल्स कर लो ऊपर, यहाँ अंदर भी तो धुंध उड़ गई कि मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, देखा कितना लंबा कट खत्म हो गया, पूरा पूरा बिलासपुर बाईपास हो गया, देखना अभी तो काम चल ही रहा है इस पे, ये सब टूट गया था ना शायद बरसात में फिर से, रोड़े तो ऐसी बना दिए हैं लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं सकता भाई, ये सारा जो आ रखा है ना मलबा उस टाइम का आ रखा है बारिश का। पौधे के ऊपर स्पीड दिखा रहा है, कितना स्पीड दिखाएगा अभी हमारा, 69 स्पीड, 46 किसका है उसकी 69 थी, ये देखिए अगली टनल कितनी थी, टनल नंबर 2। अब आ गई टनल नंबर 2 और इस पे हम एंट्री कर रहे हैं, छोटी सी है ज्यादा बड़ी नहीं है, दिख रहा है सामने उजाला। बस ये कहाँ, अच्छा मतलब वो रोड ही चेंज हो गई ना, तो वो तो ऊपर से थी ना, हाँ वो रोड ही अलग है, मतलब ये अब ये टनल की रोड है सारी, उस पे सारे ट्रक 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 चलते रहते जब तक मनाली नहीं, ये मतलब मनाली के लिए, मनाली को कनेक्ट करने के लिए अपना है, सुंदर नगर तक है ऐसी टनल सारी, पहले सुंदर नगर में कितना टाइम लगता था सुंदर नगर पहुँचने में ही, अच्छा अब तो नहीं नहीं, जितनी भी टनल है ना ये 8-9 जो तुम बोल रहे हो ये किसको कनेक्ट कर रही है, सारी मनाली तक तो होंगी, मनाली को कनेक्ट करने के लिए तो बनाई होंगी जाम उसके।
इधर रास्ते में रखा हुआ है पत्थर उधर पे, फिर इधर धुंध लगी हुई बहुत ज्यादा। ओहो यहाँ पे भी मेरे नदी है ना, यहाँ तो खतरनाक है, नदी है ना क्योंकि यहाँ पे। ओ भाई क्या ही सीन हो रखा है ये। ये ऐसा है तो सबसे लंबा पुल डैम के ऊपर है क्योंकि नीचे नदी है, इसके वजह से यहाँ धुंध लगी हुई है। यहाँ पर डैम है। ये आ गई टनल नंबर 3, स्पीड लिमिट 50। देखिए उस पर लिखी भी ज्यादा चलाएगा भी कौन वैसे भी। धुंध लगा हुआ है यहाँ, यहाँ धूप भी नहीं है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गए हम एकदम टनल चेंज करके। सही, यहाँ धूप भी सही बात है, सूरज दिखी नहीं। स्पीड ये बंद पड़ा हुआ कैमरा, इसको भी ठंड से जम गया, ठंड लग गई उसे जम गया। पुल ही पुल तो है, दिखी नहीं रहे यहाँ पे। यहाँ पुलों पे और टनलों पे तो रोड बना दी इन्होंने, टनल्स एंड ब्रिजेस। बाहर नजर ही नहीं आ रहे, तो गर्मियों में पता चलेगा यहाँ का नजारा। यहाँ का नजारा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पहाड़ों का नजारा जो पहाड़ देखने आते हैं लोग। तो आ गई नंबर 4, टनल नंबर 4। यहाँ की स्पीड लिमिट 60 है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सामने दिख रहा है। तो ये आ गई भैया टनल नंबर 5, स्पीड लिमिट 60। यार बाहर की भी स्पीड लिमिट 60 है शायद, यहाँ सब जगह 60 लिखा हुआ। हाँ और हम तो 60 से ऊपर ही दौड़ने पे लगे, किलोमीटर में 60 आ गई भाई, हर कुछ किलोमीटर के बाद तो टनल आ जा रही तुम्हारी। तो मंडी से पहले, सुंदर नगर से पहले एक ढाबे पे रुके हम, छोटा सा ढाबा, मैगी खाने के लिए। बच्चों की डिमांड थी मैगी, तो हम रेस्टोरेंट छोड़ के पहले हम रेस्टोरेंट में रुके थे, उसके बाद हम अब इस छोटे से ढाबे पे आए हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है बच्चों के लिए, मैगी वगैरह सब कुछ। तो अब यहाँ पर करते हैं आज का नाश्ता और उसके बाद निकलते हैं हम मनाली के लिए। ये शुरू हो गया भैया जाम, तो अभी पहुँच गए हम सुंदर नगर, उसके बाद आएगा मंडी का जाम। पूरा कितनी दूर से आ रहे हैं हम ऐसे। अभी हम लोग जब मुंशियारी गए थे वो रूट था देखने लायक, सुंदर। जब जिसको शौक है ना पहाड़ों में जाने का, पहाड़ देखने का नेचर ब्यूटी देखने का, वो है रूट देखने का। इधर हम लोग मनाली जा रहे हैं तो बिल्कुल बस शहर दिख रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि मतलब पहाड़ देख रहे होंगे। रास्ता भी ऐसे ही हो रखा है, बस पूरा व्यू है ही नहीं इसका। हाँ, व्यू कुछ नहीं है बिल्कुल भी, पूरा कंक्रीट का जंगल बन चुका है पूरा रोड। वही तो, और सब जगह वही लोग, वही भीड़ भड़ाका, मतलब शांति से बोलते ना कि नेचर देख रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, वो तो कुछ नहीं है। वो अब उत्तराखंड में ही रह गई, अब यहाँ तो खत्म हो गया। अब जहाँ जितना ये होता है डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे उतना ही वो भी आता है साथ, ब्यूटी खत्म हो जाती है ना, नेचुरल ब्यूटी जो है वो तो खत्म हो गई। इतना बोरियत भरा रास्ता है, नींद आ रही है मुझे इस रास्ते पे। अभी ये लेना पड़ा रेड बुल। कुछ भी, कोई भी चीज अगर डेवलपमेंट होगी उसके साथ उसके नुकसान भी है। वही तो नुकसान, मुझे लगता है नुकसान ज्यादा है और ये कम है, मतलब पहाड़ों में जाके अब और आगे जाएंगे, फिर और आगे वाले पहाड़ में जाएंगे, कभी वो भी बंद हो जाएंगे। अब धीरे धीरे मनाली में भी बर्फ गिरना बंद हो जाएगा। अब लोग बर्फ देखने जाते हैं इस टाइम पे, पर मतलब वही ना, टूरिस्टों के लिए सहूलियत तो कर दिया है पर नुकसान भी बहुत ज्यादा है। पहले की तरह नहीं रहा मनाली का, रास्ते देखते हुए जा रहे हैं। सुंदर पहाड़ थे, हम तो जब पहली बार आए थे हम शिमला के रूट से आए थे ना, शिमला से आए थे हम, कितना सुंदर था। अब तो सब लग ही नहीं रहा हम पहाड़ों में जा रहे, क्योंकि मतलब जैसे लग रहा कि अब पहाड़ शुरू होगा, स्टार्ट घर, और इतना ट्रैफिक लगा है जितना शहरों में होता है, सेम वही ट्रैफिक है यहाँ पे। आ गया पेंडो डैम,
नहीं पहले इस रूट पे जाते थे हम। हाँ ये अलग रूट बन गया ना, पहले ये था रूट और जो उधर उधर ही तो जा रही है ट्रैफिक। ये नीचे से कहाँ से आ रही हैं गाड़ियाँ? इधर मुड़ रही हैं, नीचे बैक हो रही है, अभी लेफ्ट में बैक हो रहा है ये। अच्छा उधर बंद कर रखा है क्या? हाँ वो रूट बंद हो रखा है। नया रूट स्टार्ट हो गया मनाली का, लिख तो दिया लेफ्ट में लिखा है मनाली। हाँ तो ये टूट रखा है शायद, ये मेन रूट ये था ना पहले। अच्छा फास्ट वाला, ये वाला राइट वाला, अब यहाँ से बंद हो गया, मैंने लेफ्ट कर दिया। अच्छा हाँ इधर से आते ना मेरे राइट से। आज तो वैसे हमें जाम नहीं मिला क्योंकि जो जाम रहा होगा वो कल तक था, परसों तक था शायद, अभी तक तो नहीं मिला है। अभी मनाली में घुसने के बाद पता चलेगा। वहाँ भी नहीं दिखा रहा जाम कोई, जाम जो लगेगा अभी 30 तारीख से स्टार्ट होगा लगना, क्योंकि 30 को है तुम्हारा सैटरडे, 31 को संडे, क्योंकि जो लोग निकलेंगे या तो वो 30 को निकलेंगे या तो वो फ्राइडे को शाम को निकल जाएंगे कुछ लोग 29 को। तो ये है भाई लोगों क्रिसमस का जाम, क्रिसमस जो वापस आ रहा है आज। ये बोल रहे होंगे जाओ 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 कुछ ना मिलने का तुमको भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, 1 तारीख को हम भी ऐसी लाइन पे लग के आएंगे। हम सुबह सुबह निकल जाएंगे वहाँ से 4 बजे। हाँ ये सुबह नहीं आए हैं क्योंकि ये सुबह नहीं आए हैं, ये लोग नाश्ता करके आए हैं। ये खाना खा के आ रहे हैं। और वैसी बात है 1:30 बज गया इस समय, 1:30 बजे यहीं पहुँच पाए, तो कितने बजे निकलोंगे यानी कि वो, और जबकि मनाली यहाँ से 2 घंटे दिखा रहे थे ना कि 2 घंटे पहले निकलेंगे। तो देखो बच्चा खड़ा हो रखा है ऊपर, ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को अपने बच्चे ना इस टाइम इस जगह पे, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ पत्थर, पत्थर, पत्थर भी गिरते हैं यहाँ। सही, धूल इतनी उड़ रही है। लेकिन आने वाले भी तो ऊपर से ही आ रहे हैं। बिजी रोड है ये, चाहे कुछ भी बोले, बहुत बिजी। तो ये टनल नंबर 11 आ गई है। 11 आ गए बता, सीधा हमने 6 टनल है भाई बीच में और। हाँ हमने मेरे ख्याल से 5 या 6 क्रॉस कर दी हैं। हाँ मैं भी 5 ही क्रॉस की थी। ये कौन सी है? ये 11 है, तो ये कौन सी है? सेम ही तो है वो, 11 लिखा है। ये आना जाना, ये आने की है ना, वो जाने की है। अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी दोनों काम यही कर रही है ना। हाँ नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, बाहर निकलते नेक्स्ट स्टार्ट हो गई है। उसमें टनल नंबर डाला वो 12वां नहीं, ये वही है टनल नंबर, उस पे होगा ना उस वाले हिस्से पे, ये तो आने का है वो 12वां नंबर। वो देखो ना वहाँ 12 लिखी हुई है टनल नंबर, ये है 12। तो ये स्टार्ट हो गई, एक से बाहर निकले दूसरे में अंदर घुस गए। नई टनल आ गई, टनल पुरानी वाली टनल है ये, सेंज सेंजी टनल मनाली, इसका नाम वैसे अटल टनल है। इसका नाम टनल कहाँ है? ये तो देखो कैसी, ये तो ढंग से बनी भी नहीं है टनल। तो ये पुरानी टनल तो है, बहुत पुरानी, तो बनी ही नहीं है, तो प्रॉपर बनाई नहीं इन्होंने। ये ऐसी ही है, 4 साल पुरानी, 4-5 किलोमीटर लंबी है ये तो। चलो चलो निकालो फटाफट हमें यहाँ से बाहर, इसको देख के तो डर भी लग रहा है, मेरे को ढंग से बनी भी नहीं है। ये चले गए हम आसमान में, वो हमारी गाड़ी अब जा रही है आसमान में सीधा। आगे कुछ नहीं दिख रहा, इसमें धुंध लगी हुई है क्या? वो देखना आगे पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, पहाड़ अब सीधा तुम्हारे को अपने होटल से ही दिखेंगे। पूरी राफ्टिंग इस जगह से, कुल्लू से थोड़ा सा आगे, आजकल सारा राफ्ट का चल रहा है सीजन। ये जा रखा है सारी रोड नीचे गायब। इस बार ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है यहाँ रोडों पे। सारी रोड खा गई ब्यास नदी। ये देखो ना उधर की सारी रोड गायब है, ये देखो ये सारी नदी ने पूरा इस बार पूरी तहलका मचा रखा है, पूरी रोड ले गई। ये रोड यहाँ पे खराब हो रही थी थोड़ी सी। खराब क्या, रोड तो थी नहीं, ये तो टेम्परेरी बना रखी है। अच्छा रोड तो गई, रोड तो बह गई। ये देखना ये तो अच्छा, ये होटल नहीं आया नीचे, होटल सिराज उसके नीचे का सब ले गया वही ना सारा यहाँ पे थोड़ा सा रोड। बाकी और जगह सब जगह हमें ठीक मिला है, बस यहीं पे थोड़ा खराब मिला है। अब यहीं तो हो रखा था सारा, उधर पूरा जंगल यहाँ तक था ये जंगल, ये देख लेना वो पूरा जंगल साफ हो गया यहाँ का। पूरा जंगल साफ हो गया ना, ये बीच में रह गया देख यहाँ पे केवल, जहाँ पे नदी डाइवर्ट हो गई तो हो गई, नहीं तो ये पूरा कहाँ से कहाँ आ गई नदी। हाँ पूरा जंगल था ना बीच में, हाँ पेड़ों का। तो गाइस हम लोग एंटर हो चुके हैं मनाली में, और सामने आपको बर्फ दिख रही होगी थोड़ी 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 थोड़ी। कैसा दिख रहा हो पहाड़ ना? हाँ
अभी इस समय गिरी नहीं है, भीड़ चली गई है, भीड़ खत्म हो चुकी है। हमने अच्छा किया जो हम लोग वीकडे में आए हैं, वीकेंड्स में तो बुरा हाल है। देखते हैं जिस चीज के लिए आए हैं, घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए, वो मिलता है कि नहीं मिलता है। आज भी बोला था कि स्नो गिरेगी, पर मौसम को देख के नहीं लग रहा है कि गिरेगी स्नो। हाँ, मौसम तो हुआ ही नहीं अभी तक, बिल्कुल बन नहीं रहा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बना है मौसम, तो ऐसा भी कुछ हालात लग नहीं रहे हैं। उस साइड की सारी रोड जा रखी है। कितना टैंक इसमें अभी? टैंक इसमें है 30%। तो गाड़ी का टैंक रह गया 30%, इसको करेंगे दोबारा से 100%। ये सब शिशु वगैरह से आ रहे हैं भाई घूम के, जो ये जाम लगा पड़ा है। शिशु से आ रहा है, कोई आगे से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। क्योंकि ये रोड थोड़ा कंजेस्टेड है, तो मेरे ख्याल से एक बार में एक जगह से एक ही गाड़ी निकलेगी, तो इसलिए पहले एक साइड का ट्रैफिक निकालेंगे, फिर दूसरी साइड का ट्रैफिक निकालेंगे। बहुत लंबा जाम लगा भाई, लंबे। और यहाँ पे हमने कर दिया है डीजल फुल 55 लीटर। दिल्ली से यहाँ तक हमारा लग गया 55 लीटर। दिल्ली से यहाँ तक अच्छा 55 लीटर लग गया। 4 बजे हम लोग अपने होटल के लिए पहुंच गए। ये देखिए कहाँ गया भाई, वो दिख रहा ग्रे कलर का। गार्ड पहुंच, गार्ड को कहाँ गया, आ गया? बुकिंग है, बोलो बुकिंग है। तो गाइज ये है हमारा होटल आइलैंड पार्क, ये बिल्कुल ब्यास नदी के बगल में। और कल हम निकलेंगे सिस्सु की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया है, तो उधर जाके घूम के देखते हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं कल, और फिर कल करते हैं फिर धमाका।